नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पैतृक गांव पहुंचा सेना के जवान का शव, राज्य मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। शादियाबाद थाना क्षेत्र के खुटवा गांव निवासी आर्मी जवान ओम प्रकाश बिंद, उम्र 38 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय ब्रजदेव बिंद की बीते 8 अक्टूबर को लद्दाख के दिबांग बॉर्डर पर हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। आज जवान का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से उसके पैतृक गांव खुटवा लाया गया। खुटवा गांव में सुबह से ही जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से जवान के पार्थिव शरीर का स्वागत किया। हजारों की संख्या में युवक साथ साथ चल रहे थे। इसके साथ वे नारे भी लगा रहे थे। सुबह से ही गांव में कई थानों की फोर्स एवं सीओ, सैदपुर एसडीएम, सैदपुर सीओ भुड़कुंडा मौजूद थे। सदर विधायक व राज्य मंत्री संगीता बलवंत, भाजपा के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, एमएलसी प्रतिनिधि पप्पू सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह के पति चंचल सिंह ने श्रद्धांजलि दी। जवान की पत्नी सुमन देवी व दोनों पुत्र ललित 10 वर्ष, सत्यम 7 वर्ष का रो रोकर बुरा हाल है। पत्नी सुमन तो बार बार अचेत होकर गिर जा रही है। जवान ओम प्रकाश 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। वह 2004 में सेना में भर्ती हुए थे। दोनों बड़े भाई घर पर रहकर खेतीबाड़ी का काम करते थे। इनकी पोस्टिंग नागपुर से कुछ दिन पहले ही लद्दाख के दिबांग बॉर्डर पर हुई थी। आखिरी बार वे मार्च में अपनी मां लच्छिया देवी के अंतिम संस्कार में गांव पहुंचे थे। पीपीए 24 टीवी न्यूज से गाजीपुर संवाददाता राहुल पटेल की ये खास रिपोर्ट।